जब से सुनील शेट्टी ने आर्यन खान के बारे में मीडिया से ये कहा है कि वो बच्चा है, उसे सांस लेने दो और जांच पूरी होने तक अपना निष्कर्ष मत निकालो, तब से व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लोग कंपैरिजन कर रहे हैं नीरज चोपड़ा और आर्यन खान के बीच। और ये कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों की उम्र लगभग एक ही है, यानी 23 साल। कुछ लोगों का ये कहना है कि 23 साल के नीरज चोपड़ा देश को गोल्ड मेडल दिलाते हैं, 121 साल का इतिहास जो रहा है कि गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था हमारा देश, कोई भी एथलीट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था ओलंपिक में, वो उन्होंने बनाया। और दूसरी तरफ 23 साल के आर्यन हैं जो इस तरह के आरोप में पकड़े जाते हैं। कुछ लोगों ने उनका कंपैरिजन शहीद भगत सिंह से भी कर दिया और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो शेयर किए जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि बॉलीवुड की इमेज को लेकर एक बहुत बड़ा मामला पिछले 15 महीने से चल रहा है, जिसमें जब से सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु हुई है उसके बाद से तरह तरह की बातें लोगों ने बॉलीवुड के बारे में जानी, लोगों ने नेपोटिज्म नाम के वर्ड का मतलब समझा, लोगों ने ये देखा कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर क्या कुछ चला करता है, तब से लोगों की सोच पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अब लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है जो वो बॉलीवुड से जुड़े हर मामले को शक की नज़र से ही देखते हैं। और ये जो मैसेज शेयर किया जा रहा है, ये ट्विटर पर शेयर किया गया है, फेसबुक पर शेयर किया गया है, बार बार लोग कह रहे हैं कि अगर 23 साल की उम्र में कुछ करना ही है तो नीरज चोपड़ा जैसा काम करो, आर्यन खान जैसा नहीं है। सीधे तौर पर बहुत सारे ट्वीट्स इस मामले में किए गए हैं। कुछ लोगों ने तो जैसा मैंने आपको बताया कि शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल दे दिया है। हालांकि अभी देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है। अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। आज पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स को कोर्ट में पेश किया जाना है, जो 4 और गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये कहां आगे बढ़ता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय जो आम जनता है उसके बीच में एक थोड़ा सा गुस्सा है इस बात को लेकर। और गुस्सा होना शायद इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि बहुत लंबे समय तक शाहरुख खान लोगों के चहेते हीरो रहे हैं और इस चहेते हीरो के बेटे का नाम इस तरह के मामले में आना, हालांकि आरोप अभी तय नहीं हुए लेकिन गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एनसीबी ने यह भी दावा किया कि ये वो काफ़ी बातें उनके बारे में जानते हैं, आर्यन खान के बारे में उनके चैट से काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है, उनके फ़ोन से काफ़ी कुछ मिला है, उसके बाद से कंपैरिजन वाले मैसेजेस शेयर हो रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड बहुत जल्दबाजी कर रहा है इस समय आर्यन खान के ऊपर बयान देकर, या लोग जल्दबाजी कर रहे हैं इस समय आर्यन खान के ऊपर अपनी सोच बनाकर, या आपको लगता है कि दोनों तरफ से ही एक वॉर चल रहा है सोशल मीडिया पर, जहां बॉलीवुड के लोग आर्यन खान के समर्थन में कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ से इस तरह के मैसेजेस बनकर और मीम बनाकर शेयर होने शुरू हो जाते हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स सुनने का, पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।